स्काई मस्त दिख रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, आज के खाने में हम लोग बनाने वाले हैं चठैल का सब्जी, दाल चावल फुल विलेज स्टाइल में। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताई वीडियो करते स्टार्ट। इधर आ गई मम्मी सब्जी काटने। तो ये है चठैल, चठैल का सब्जी और दाल चावल बनेगा। क्यों लोग? हाँ तो चठैल बनेगा, चठैल। ये सब्जी मम्मी काटती है, तब तक हम चलते हैं काम करने। एक तो बहुत गजब आवाज कर रहा है। इसमें लगा करेला नहीं है। तो दादी राख निकाल लेती है। अभी बाहर खाना नहीं बनेगा क्योंकि बारिश हो रही है। पूरा चूल्हा भीग गया है। सब्जी कंप्लीट हो गया कटा के, अभी फोरन कटा जाएगा। देखिए क्या ही मस्त दिख रहा है। प्याज को काट लेती है। इधर दीदी लहसुन छुड़ा रही है। सब्जी कंप्लीट हो गया और दाल फ्राई के लिए फोरन काट लेती है। लेकिन लिपाई हो जाएगी, बाहर बारिश आ रहा है तो बाहर चूल्हे पर नहीं बनेगा, भीग गया है। इधर आग अच्छे से जल गया है। दाल को रख देते हैं, अरहर का दाल बना रहे हैं। इधर चावल कंप्लीट कर दिए हैं, दाल देख लेते हैं क्या हाल है। इधर दाल कंप्लीट हो गया बनके, अब इसको साइड में रख देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं। अभी दाल फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल डाल देते हैं थोड़ा सा। तेल गर्म हो गया है, जीरा डाल देते हैं। जीरा चटक गया, अभी हम इसमें लहसुन डाल देंगे। दो सूखा मिर्चा तो अच्छे से भूनेंगे। अभी हम लहसुन पक गया थोड़ा सा, प्याज डाल देंगे महीन महीन काट के मम्मी रख दी है। अभी
सारे को अच्छे से भूनेंगे, टमाटर थोड़ा सा भून जाएगा तब डालेंगे। इधर प्याज थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे चुटकी, टमाटर गल जाएगा। फोरन अच्छे से बन पक गया है, अभी फ्राई दाल इधर डाल देंगे। क्या मस्त दाल लग रहा है, क्यों नो? दाल तो हमारा फेवरेट है। अब इसमें उबाल आने देंगे अच्छे से। इधर दाल अच्छे से उबल गया है, अब इसमें धनिया का पत्ता डाल देंगे फ्रेश फ्रेश। क्या मस्त दाल दिख रहा है। अब इसको नीचे उतारते हैं और चावल को रख देते हैं। इधर दाल अच्छे से उबल गया है, अब इसको हम साइड में उतार देते हैं। चावल रख देते हैं, अभी चावल को रख देते हैं। अभी सब्जी बना लेते हैं, कढ़ाई रख देते हैं। इधर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इसमें फोरन डाल देंगे, प्याज मिर्चा लहसुन, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से। इधर प्याज अच्छे से भून गया है, अभी हम इसमें चठैल का सब्जी डालेंगे। देखिए क्या ही मस्त दिख रहा है, इसको डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। इधर देखिए सब्जी क्या ये मस्त भुन रहा है, 2 मिनट हो चुका है। तब इसमें हल्दी नमक डाल देंगे हम। हल्दी डाल देते हैं थोड़ा सा, नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और बस इसमें पानी उनी नहीं पड़ेगा, ऐसे धीमे धीमे भुनेगा, धीमे आंच पे 10-15 मिनट में सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से ढक देते हैं। हमने चावल सबका निकाल दिए हैं, अभी दाल निकाल लेते हैं। दाल तो बहुत ही मस्त दिख रहा है, खाने में बहुत मस्त लगेगा। ये चटनी है, सबका खाना निकल चुका है, खाना निकल चुका है, सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। तो इधर सब लोग खाना खाने बैठ गए और बाहर एकदम बारिश हो रही है। तो आज खाने में तो क्या बना आप लोग वीडियो में देख ही लिए हैं। तो अनूप जी, अमी कैसा हुआ है खाना? चटल का सब्जी कैसा लग रहा है? कैसा हुआ जी? तो जरा अनूप जी खाइए तो बताइए तो कैसा लग रहा है खाना आज का? एकदम चटनी ले लेते हैं। किस चीज का चटनी बनाई हो? टमाटर, टमाटर धनिया का चटनी है। वाओ, खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। ये चठैल, बहुत ही मस्त सब्जी होता है इसका। चठैल का सब्जी बहुत मस्त होता है, उनका बहुत मस्त लगता है। अब इसको खाएंगे। आ गया, कैसा है? बहुत दिला जवाब हुआ है। तो ये लोग इधर खाना खा रहे हैं। तो गाइस आज के वीडियो तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में। फिर इसमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।